गया सबका और कुछ नहीं उनकी क्या आप मानती है नई पारी नई शुरुआत कर रहे हैं आप इंडस्ट्री में वी हैव सीन यू वी ऑल नो यू नो अपने क्षेत्र में आप बहुत मारा दफा चुके हैं क्या आपको लगता है नई शुरुआत है नई बिल्डिंग है कई तरीकों से बिग बॉस में बहुत टाइम मिला प्रयास बहुत किया प्राणायाम बहुत किया भी पहले से अच्छा हुआ मेंटली पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो ये सब चीज़ें मुझे बिग बॉस के हाउस में जाकर मेरे लिए एक बोनस की इवेंट था कंप्लीट हॉलीडे How do you see the change in post? I mean, what are you doing? The life of Anup Jalota has been changed. I can see a little bit difference. Because the audience very early on, वो 25-30 साल के ऊपर की ऑडियंस आ रही थी और अभी मैं यंग क्राउड पे देखता हूँ 10 साल की 15 साल की हवाई अब यंग लड़के लड़कियाँ स्कूल पे आते हैं अभी हमारा इस इलाके में हम सर्च करते हैं सुनते हैं ये बहुत अच्छा चीज है अभी चीज क्या क्या अपने आप में जो तक काम किया है जैसे आपने इलाके इलाके का सफर किया क्या सोच रहे थे जैसे यार जगह मेक नहीं यार आप बड़े गर्व एग्जिस्ट यार मैं क्या करूँ मेरे को सुन नए अंदाज में 2018 उस अंदाज में क्या नए तरीके से कुछ हम करने वाले हैं उसका हमने एक बैंड बनाया है उसका नाम है तो बैंड में आप सुनेंगे बहुत जरूरी स्कूल सॉन्ग सुनेंगे तो एक आप मुझे देखने को सुनने को मिलता है सर जो क्रिटिसिज्म देखा आपने वो देखा आपने सर जो क्रिटिसिज्म को कितना ज़्यादा आपने पॉजिटिवली या नेगेटिवली लिया जो कंट्रोवर्सी भी है उसमें कोई दम नहीं क्योंकि सारी जो सच्चाई बता रही हूँ कई जगह बता रही हूँ आज भी राजेश शर्मा जी का जो है मुझे आज भी उसमें दिखाया जा रहा है याद आ रहा है ये उनका 6th टेलीकास्ट हो रहा है किसी 10-15 दिन के अंदर इतना ज़्यादा वो दिखा रहे हैं तो कुछ कहने रहने गया है हाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी बाकी है ये भी जो स्क्रीन का बहाना ना बने ओके वो आके सबसे अच्छी बात होती है जैसे इतना प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं अभी भी मतलब आपके जाने के बाद भी इतना जोन में क्यों है कि हाँ वो भी उसी एंगल को लेके चले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं कई बिकॉज की स्ट्रैटेजी है कितना कितना गर्व की बात है सब लोग अवार्ड एंड इट्स द सेकंड डे How proud you feel? So somebody who doesn't need a product. क्योंकि ये पहला साल है एंड अनुजी बिल्कुल जो है हालांकि अनुजी वैसे भी उनको बिग बॉस वो है लेकिन हमारे लिए तो हमेशा ही सुपर स्टार रहे और हमेशा रहे ओके अनुजी बिग बॉस का शुक्रिया किसे आपको लगता है पोटेंशियल विनर है वो बिग बॉस जीत सकता है आपके लिहाज से कौन मैं होता तो मैं जीत जाता लेकिन अब मुझे लगता है कि रोमिल वाइट कार्ड एंट्री से वापस जाना चाहेंगे अनुज जी एक सवाल पूछना चाहूँगा हर रोज एक बात हो रही है राम मंदिर के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे आप भक्त की हैं राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं उद्धव ठाकरे